हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने FIMS स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय सुभाष पन्नी फ्रॉम पावर ऑफ स्टॉक्स का बाय साइड के लिए टेस्ट किया था अपने चैनल पे। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का जरूर चेकआउट करना। सो इन दिस वीडियो वी विल सी एन अनदर स्ट्रेटजी। क्रेडिट फॉर द स्ट्रेटजी गोज टू मुकुल चौधरी फ्रॉम वाई स्टॉक रिसर्च, हु हैज अ यूट्यूब चैनल विद ओवर 30K सब्सक्राइबर्स। आप उनका चैनल देख सकते हो स्क्रीन पे, हमारे भी जल्दी 7K होने वाले है। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो कर दो यार। सो टुडेज वीडियो इज पार्ट ऑफ अवर फेमस यूट्यूबर्स फ्री स्ट्रेटजी सीरीज वेयर वी टेस्ट स्ट्रेटजीज फ्रॉम योर फेवरेट यूट्यूबर्स एंड बैक टेस्ट दो स्ट्रेटजीज एंड कैलकुलेट द रियल विन रेट। सो टुडे वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट अनदर फेमस स्ट्रेटजी कॉल्ड एज VWAP प्लस PIVOTS प्लस मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय मुकुल चौधरी फ्रॉम वाइस स्टॉक रिसर्च। स्क्रीन पे आप वीडियो देख सकते हो ये वाला। ये स्ट्रेटजी सिंपल 3 इंडिकेटर सेटअप है जहाँ उनने 3 इंडिकेटर यूज किया है। उन्होंने ये स्ट्रेटजी को 2 स्टॉक्स पे बैक टेस्ट करके भी बताया था और उन्होंने सर्टेन स्टॉक्स का लिस्ट दिया है और बोला है कि आपको ये स्ट्रेटजी को इन्हीं स्टॉक्स में यूज करना है तो हम भी उसी में यूज करेंगे। उनके हिसाब से ये स्ट्रेटजी में बहुत कमी सिग्नल्स आते हैं बट जितने आते हैं वो फुली फिल्टर्ड होते हैं। फर्स्ट पार्ट तो मैं कन्फर्म कर सकता हूँ क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में आप प्री वर्जन में एक लिमिटेड पीरियड तक ही जा सकते हो और वो लिमिटेड पीरियड में आपको हार्डली 15 सिग्नल्स मिल रहे हैं। इसलिए टेस्टिंग करते वक्त हम सिर्फ 4 स्टॉक्स में टेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स में टेस्ट करेंगे। तो इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं जहां हम VWAP प्लस PIVOT प्लस मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय मुकुल चौधरी को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे। स्क्रीन पे आपको स्टॉक्स दिख रहे होंगे इनमें और चेक करेंगे कि इंडियन मार्केट में कैसे काम करता है। सो हाई एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Before we start, there is a problem with the strategy. वो है इसका time frame. Actually, ये strategy 10-minute time frame में based है और जैसे ही आप देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू में फ्री अकाउंट में आपको 10 मिनट्स वाला टाइम फ्रेम नहीं मिलेगा। आपको इधर नीचे से जाके ऐड करना पड़ता है और अगर आप यहाँ पर ऐड करोगे तो ये पे करने के लिए बोलता है। और मैं ये जानता हूँ कि 95% जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो न्यू ट्रेडर्स है और इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते एवरी मंथ सब्सक्रिप्शन पे। अगर मैं चाहता तो मैं मेरे ट्रेडिंग व्यू अकाउंट से बैक टेस्ट करके सीधा आपको दिखा सकता था और मेरा काम हो भी जाता, बट मेरा पर्पस पूरा नहीं होता। मैं ये वीडियोस इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको समझे कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसे खुद बैक टेस्ट करना चाहिए। तो आपके लिए मैंने 2 टेक्निक ढूंढा है इसे बैक टेस्टिंग करने के लिए। फर्स्ट मेथड में आप कोई भी ब्रोकर का चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करना, लाइक ज़ीरोधा का चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, और सेकेंड मेथड में आप ट्रेडिंग व्यू पे ही कर सकते हो। फर्स्ट मेथड जैसे मैंने आपको बोला, हम ज़ीरोधा या फिर कोई भी और ब्रोकर है जिसके पास ट्रेडिंग व्यू वाला चार्टिंग हो वो ओपन करेंगे। मैं पर्सनली ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ। अगर आपका अकाउंट नहीं है और आप नया अकाउंट खोलना चाहते हो तो नीचे लिंक डाल दूंगा, इससे चैनल की भी थोड़ी मदद हो सकती है। सिंपली ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म ओपन करो और यूज़ करो ट्रेडिंग व्यू। इसमें डायरेक्टली आपको टाइम फ्रेम को 10 मिनट्स कर देना है। सेकेंड मेथड मैं लास्ट में बताता हूँ, उसमें एक बोनस ट्रिक भी है जिससे आप ट्रेडिंग व्यू में इजीली बैक टेस्ट कर सकते हो। एक बार चार्ट ओपन हो गया इसके बाद टाइम फ्रेम को हम ट्रेडिंग व्यू में 10 मिनट्स कर देंगे और 3 इंडिकेटर्स ऐड करेंगे। सबसे पहला इंडिकेटर में जाके VWAP सर्च करेंगे और ऐड कर देंगे। सेटिंग्स में इसका थिकनेस और कलर अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। इसके बाद हम EMA ऐड करेंगे, इसमें भी सेटिंग्स में जाके पीरियड को 200 कर देंगे और स्टाइल्स में अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज करेंगे। और लास्टली इंडिकेटर्स में जाके हम PIVOT पॉइंट स्टैंडर्ड सर्च करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। अब इसके सेटिंग्स में जाके नंबर ऑफ PIVOT डेज को 1000 कर देंगे। बेसिकली 1000 डेज का PIVOTs दिखाएगा जहाँ तक अपना प्लेटफॉर्म अलाउ करता है वहाँ तक। चलिए रूल्स देखने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल बैलेंस, वो सीखेंगे जो इस स्ट्रेटजी में यूज भी होगा। बाय डेफिनेशन इनिशियल बैलेंस इज अ प्राइस डेटा विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग सेशन। बेसिकली जो भी प्राइस मूवमेंट 1 आवर में होता है, फर्स्ट 1 आवर में, उसको हम इनिशियल बैलेंस बोलते हैं। इससे बेसिकली हमें मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल या रेंज पता चलता है जिससे हम हमारे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सो हमारे मार्केट में 9:15 से 10:15 का जो रेंज है उसे इनिशियल बैलेंस बोलते हैं। ये कंसेप्ट को सबसे पहले पीटर स्टाइडरमायर ने प्रेजेंट किया था। चलिए फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए स्क्रीन पे, ये जो रेंज है 9:15 से 10:15 इसे हम इनिशियल बैलेंस कहते हैं। आई होप आपको इनिशियल बैलेंस समझ गया होगा।
चलिए रूल्स फॉर बाय सेटअप देखते हैं। सबसे पहला रूल, आप ट्रेड सिर्फ 10-15 से लेके 2 के बीच में ले सकते हो। 10-15 इसलिए ताकि आपको इनिशियल बैलेंस फॉर्म होने देना है, और 2 के पहले इसलिए क्योंकि 2 के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। सेकंड कंडीशन, प्राइस शुड बी अबाउट 200 EMA। थर्ड, प्राइस शुड बी अबाउ VWAP। एंड फोर्थ, प्राइस शुड बी अबाउ इनिशियल बैलेंस हाई। जब आपका ये ऊपर के सब कंडीशन सेटिस्फाई होता है, द प्राइस शुड क्रॉस द नेक्स्ट पिवट। बेसिकली जब ये ऊपर के सारे कंडीशन आपके सेटिस्फाई हुआ, जैसे 200 EMA सेटिस्फाई हुआ, जैसे आपका प्राइस 200 EMA के ऊपर हो, VWAP के ऊपर हो और इनिशियल बैलेंस के हाई के ऊपर हो, और अगर आपका प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ता है जैसे R1, R2 एक्सेट्रा, तो हम एंट्री ले लेंगे। एंट्री वुड बी एट द क्लोज ऑफ द कैंडल, स्टॉप लॉस वुड बी 2 candle low एंड टारगेट नेक्स्ट पिवट। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ सब कंडीशन सेटिस्फाइड है। ये इनिशियल बैलेंस है तो प्राइस के ऊपर है, और VWAP और 200 के ऊपर प्राइस है। इधर प्राइस ने पिवट को ब्रेक किया है तो इसलिए इसके क्लोज पे हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस प्रीवियस 2 candle low रखेंगे और टारगेट नेक्स्ट पिवट, एंड दैट्स अ विन। चलिए सिमिलरली सेल के रूल्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट रूल, ट्रेड ओनली बिटवीन 10-15 to 2। सेकेंड, प्राइस शुड बी बिलो 200 EMA। थर्ड, प्राइस शुड बी बिलो VWAP। फोर्थ, प्राइस शुड बी बिलो इनिशियल बैलेंस लो। वंस ऑल द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड, द प्राइस शुड क्रॉस द नेक्स्ट पिवट। बेसिकली आपका ऊपर के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, जैसे प्राइस 200 EMA के नीचे है, VWAP के नीचे है और इनिशियल बैलेंस के भी नीचे है, तो आपको रेडी हो जाना है। जैसे ही आपका प्राइस नेक्स्ट पिवट तोड़ता है, जैसे S1 या S2 तोड़ता है, तो आपको एंट्री ले लेना है। एंट्री वुड बी एट द क्लोज ऑफ द कैंडल, स्टॉप लॉस लास्ट 2 candle high एंड टारगेट नेक्स्ट पिवट। जैसे आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ हमारे सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है। यहाँ प्राइस इनिशियल बैलेंस के नीचे है, VWAP और 200 EMA के भी नीचे है, तो जस्ट यहाँ प्राइस ने पिवट ब्रेक किया है, तो इसलिए हम इसके क्लोज पे सेल करेंगे, स्टॉप लॉस 2 candle high रखेंगे और टारगेट नेक्स्ट पिवट, एंड दैट्स अ विन। आई होप स्ट्रेटजी क्लियर है। आप उनका वीडियो भी ज़रूर देख सकते हो। इसके बाद वाला पार्ट स्क्रीन पे दिखाए हुए टाइम पे आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू का मेथड बताने वाला हूँ जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहला आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करना, फिर टाइम फ्रेम को 5 मिनट्स करेंगे। मेथड सिंपल है बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सेम सब इंडिकेटर्स लगा देंगे जैसा आपने जीरोदा में लगाया था। इसमें EMA और VWAP दोनों के बदले एक ही इंडिकेटर यूज़ करना मैं बोलूँगा जो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, क्योंकि हम इस स्ट्रेटजी में एक और इंडिकेटर यूज़ करेंगे, आपको समझ जाएगा। और फिर पिवट पॉइंट्स भी यूज़ कर लेंगे। अभी इसमें कैसा होता है, जैसे आप सबको पता होगा कि 2 5 मिनट्स कैंडल मिला के एक 10 मिनट्स का कैंडल बनता है, राइट? तो हमेशा आपको कैंडल एंडिंग विद जीरो, लाइक 1320, 1330 का क्लोज देखना है कि वो पिवट को ब्रेक किया है कि नहीं। जैसे अगर हम बाय कंडीशन के लिए देखते हैं, तो ये केस में देखिए, ये 1330 वाला जो कैंडल है वो पिवट के ऊपर क्लोज हुआ है कि नहीं, अपने को ये देखना है। और ये केस में पिवट के ऊपर क्लोज किया है। सो नेक्स्ट चीज़ हम क्या देखेंगे कि इसका प्रीवियस कैंडल जो है, तो 1330 के केस में प्रीवियस कैंडल 1325 होगा, राइट? तो क्या ये कैंडल पिवट के नीचे ओपन हुआ है? हाँ, ये कैंडल पिवट के नीचे ओपन हुआ है। तो हमें इन दोनों कैंडल को मिला के इसको ब्रेकआउट कैंडल कंसीडर करना है। आप जीरोदा में भी देख सकते हो, यही कैंडल पिवट के नीचे ओपन हुआ है और पिवट के ऊपर क्लोज हुआ है। तो ऐसे ही आपको ब्रेकआउट कैंडल डिसाइड करना है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आपको डायरेक्टली अपने आप स्मार्ट हो जाएगा। ऐसा करके ही आप इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हो। बट इसका आप पूछोगे कि प्रणीत ये सब क्यों करना है, डायरेक्टली उसमें क्यों नहीं करते? एक्चुअली मैं ट्रेडिंग व्यू वाला ऑप्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वाला चीज़ ऑन प्रैक्टिस आप फटाफट आइड स्पॉट कर सकते हो। बट ट्रेडिंग व्यू में एक और इंडिकेटर है कॉल्ड एज इनिशियल बैलेंस, जो बेसिकली इनिशियल बैलेंस को मार्क कर देता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बस इसके सेटिंग्स में चेक कर लेना कि टाइम 9:15 से 10:15 है कि नहीं। ये इंडिकेटर यूज़ करके आप इजीली कुछ स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हो, और कुछ नहीं। चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, यहाँ आपके सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है। इसमें आप इजीली स्पॉट कर सकते हो कि यहाँ पर आपका VWAP और 200 EMA दोनों के ऊपर कैंडल है, और आपका इनिशियल बैलेंस के भी डायरेक्ट ऊपर है, क्योंकि विजुअल कंसर्न कन्फर्मेशन आपको अलग से मार्क वार्क नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जो जहाँ पर पिवट को इसने ब्रेक किया है, वहाँ पर टाइम 2 से पहले का है, राइट? सो
यहाँ पर एग्जैक्ट जो कैंडल क्लोज हुआ है वो 12:30 का कैंडल है, तो हम इस पर फोकस करेंगे कि ये कैंडल ने R4 के ऊपर क्लोजिंग दिया है और इसका प्रीवियस कैंडल जो 12:25 वाला कैंडल है वो R4 के नीचे ओपन हुआ है। तो ये हमारा 10 मिनट्स कैंडल पे पिवट के ऊपर क्लोज होगा और पिवट के नीचे ऐसा दिखाया जाएगा। सो ऑब्वियसली ये 10 मिनट कैंडल पे अपने को पिवट ब्रेक किया हुआ ऐसा दिखेगा। सो हम ये 12:30 के कैंडल के क्लोज पे एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस सिंस हम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो लास्ट 4 कैंडल का लो जो होगा ना हमें उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट नेक्स्ट पिवट एंड दैट्स अ विन। सेल के लिए भी सेम है, आप सीधा आई वुड से अगर आपको ये चीज़ कॉम्प्लिकेट लगता है ना आप सीधा क्राइटी यूज़ करो, वो सिंपल मेथड होगा बट सिर्फ वो डेटा ट्रेडिंग व्यू सेव करता है, इसके लिए मैं ये मेथड प्रीफर करने बोलूँगा लोग को। चलिए आई होप स्ट्रैटेजी क्लियर है, आप उनका वीडियो भी ज़रूर देखिए अगर आपको स्ट्रैटेजी के बारे में और जानना है तो इस स्ट्रैटेजी को चलिए 100 टाइम्स टेस्ट करते हैं और इसका असली विन रेट चेक करेंगे। आई विल लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। सो द टेस्ट आर ओवर, जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 100 था, उसमें से 48 वॉज विन एंड 52 वॉज लॉस। सो विन रेट हुआ 48%, टोटल गेन इन एन अकाउंट वॉज 50.873% एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन वॉज -6.58%। सो कंटिन्यूस विन इन अ रो वॉज 10 एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो वॉज 5। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज 2 months। सो द रिजल्ट आर वेरी इंप्रेसिव, 50.87% गेन and max drawdown is just 6.58%, which is very good. जैसे आप देख सकते हो strategy is very profitable. Kudos to Mukul Chaudhary for sharing such an amazing strategy. You can check his channel, the link will be in the description. I'll add the strategy in the Google sheet, link in the description, and this takes the 4th position in the list. You can check the list and review or rewatch any specific strategy you like. As always, जैसे मैं बोलता हूँ आपको सीधा मेरी बात या किसी और की बात ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, हर स्ट्रेटेजी को पहले खुद बैक टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करना है ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो UPI ID आपकी स्क्रीन पे होगा और अगर आपको ये वाला बैक टेस्टिंग शीट चाहिए तो हमने इसे ऑलरेडी हमारे चैनल पे शेयर किया है, आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रहा रहेगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसे ज़रूर देखना आपको मिल जाएगा। प्लीज़ कमेंट में आपकी फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोस में ये भी ज़रूर बताना। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरी स्ट्रेटेजीज के वीडियोस भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।